तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यूएक्स टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करने का पूरा तरीका बताने वाला हूँ। ये फॉर्म हर एक यूट्यूब क्रिएटर को फिल करना कंपलसरी है एंड फॉर्म भी बहुत बड़ा है। अगर आप कहीं पर भी एक छोटी सी गलती भी कर देते हैं तो आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यूएक्स टैक्स फॉर्म फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट की दो वीडियो में हमने YouTube चैनल को मोनेटाइज करना एंड वीडियो पर एड्स लगाना देखा था एंड इस वीडियो में हम यूएस टैक्स फॉर्म को बनने का तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन करें। इधर आपको लाइट येलो बॉक्स में टैक्स इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड कुछ इस तरीके का मैसेज शो होगा, तो आप इधर मैनेज टैक्स इन्फो पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप इधर आ जाएंगे। इधर आप एड टैक्स इन्फो पर क्लिक करें। इधर आपके एडसेंस से लिंक ईमेल आईडी शो होगी, तो आपको उसका पासवर्ड एंटर करना होगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे, तो इधर से आपका फॉर्म स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर आपका एडसेंस अकाउंट इंडिविजुअल है तो इधर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। करने के बाद नेक्स्ट करें। इधर अगर आप यूएस के सिटीजन हैं तो आप यस करें, वरना आप नो करें। तो हम इंडिया से हैं इसलिए हम नो करते हैं। नो करने के बाद ऊपर अगर आपने इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया था तो आप इधर W8DEN वाले को सिलेक्ट करें। करने के बाद स्टार्ट W8BEN फॉर्म पर क्लिक करें। करने के बाद आपके सामने W8BEN टैक्स फॉर्म आ जाएगा, तो आपको इसी फॉर्म को केयरफुली फिल करना है। तो इधर आपके एडसेंस में जो नाम लिखा है वह इधर से होगा। इधर आप DBA को छोड़ दें, यह ऑप्शनल है। इधर कंट्री पर क्लिक करके आप अपनी कंट्री को चूज कर लें। जैसे हमारी इंडिया है तो हम इंडिया को चूज कर लेते हैं। कंट्री चूज करने के बाद इधर आपको टिन नंबर टाइप करना होगा। वैसे तो ये ऑप्शनल है पर ये इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसे ज़रूर फिल करें। इंडिया में टिन और पैन नंबर दोनों का मतलब एक ही है, तो इधर फॉरेन टिन में आप अपना पैन नंबर टाइप करें। याद रहे, जिसका नाम आपने टाइप किया था उसी का पैन नंबर आपको एंटर करना होगा। पैन नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट करें। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में आपको एड्रेस फिल करना होगा, तो इधर आपको कंट्री शो होगी। इधर आप अपना फुल एड्रेस टाइप करें, जैसा एडसेंस अकाउंट में लिखा था सेम वैसे ही। इधर आप अपनी सिटी टाइप करें। इधर आप अपने एरिया का पिन कोड टाइप करें। इधर अपना स्टेट टाइप करें। इधर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आप इसे टिक करें। करने के बाद नेक्स्ट करें। आपका सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट। थर्ड स्टेप में आपको टैक्स के बारे में बताना होगा, तो इंडिया वाले इधर यस करें, इस बॉक्स को टिक करके अपनी कंट्री इंडिया चूज कर लें। करने के बाद स्क्रॉल करें। इधर से अब आपको वीडियो को केयरफुली देखना होगा। इस बॉक्स को टिक करें। इधर आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 को चूज करें। इधर 0% को चूज करें। इस बॉक्स को टिक करें। नीचे इस बॉक्स को टिक करें। इधर आर्टिकल 12 को चूज करें। इधर 15% को चूज करें। इधर इस बॉक्स को टिक करें। नीचे इस बॉक्स को टिक करें। इधर आर्टिकल 12 और इधर 15% को चूज करें और इस बॉक्स को टिक करें और इधर नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप स्टेप थर्ड कंप्लीट हो चुका है। स्टेप फोर्थ में आपका पूरा यूएस टैक्स का फॉर्म आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करके इसे पीडीएफ फाइल में सेव करके रख लें। करने के बाद इस बॉक्स को टिक करके नेक्स्ट करें। आपका चौथा स्टेप भी कंप्लीट। पांचवें स्टेप में इधर आपको अपना लीगल नेम टाइप करना होगा, जैसा पैन कार्ड में लिखा है सेम वैसा ही। इधर अगर आप अपना फॉर्म खुद भर रहे हैं तो इधर आप यस करें। करने के बाद नेक्स्ट करें। आपका फिफ्थ स्टेप भी कंप्लीट। सिक्स्थ स्टेप में आपको इधर नो करना है। इधर इस बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद इधर अगर आपके एडसेंस अकाउंट में यूट्यूब की तरफ से पहला पेमेंट आ चुका है तो आप इस नीचे वाले को चूज करें, और अगर एडसेंस अकाउंट में अभी तक एक भी पेमेंट नहीं आया है तो आप इस ऊपर वाले को चूज करें। जैसा हमने एडसेंस अकाउंट अभी हाल ही में क्रिएट किया है, तो इस एडसेंस अकाउंट में अभी तक हमारा एक भी पेमेंट नहीं आया है, तो हम इस ऊपर वाले को चूज कर लेते हैं। करने के बाद नेक्स्ट करें। अब यह है फाइनल स्टेप। इधर गो पेपरलेस को सिलेक्ट रहने दें। इस बॉक्स को टिक करके सबमिट करें। इधर आपको थोड़ा वेट करना होगा। वेट करते ही आपका यूएक्स टैक्स फॉर्म सक्सेसफुली फिल होकर सबमिट हो जाएगा और आपको भी कुछ इसी तरीके का पेज शो होगा कि क्लेम्ड क्लेम्ड क्लेम्ड। तो इसका मतलब है कि आपने अपने फॉर्म को फिल करते समय कोई भी गलती नहीं की है,
आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था यूएस टैक्स को फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।